मध्य प्रदेश में डेंगू का डंक लगातार जारी है। शासन और प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद प्रदेश में मरीजों के मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। हाल ये है कि प्रदेश में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 3000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे की आशंका के बीच मध्य प्रदेश में डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में अब तक मरीजों का आंकड़ा 3000 के पार हो चुका है। अकेले भोपाल में अब तक 204 केस सामने आ चुके हैं। छिंदवाड़ा, जबलपुर और ग्वालियर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ी है। ग्वालियर में कोरोना की रफ्तार थमी तो डेंगू का डर सताने लगा। सितंबर में डेंगू और भी खतरनाक हो गया। ग्वालियर में शनिवार को 30 लोगों की जांच रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव मिली। इनमें से 15 डेंगू मरीज ग्वालियर के तो वहीं 15 केस पड़ोसी जिले से हैं। ग्वालियर के 15 केस में से 5 बच्चे हैं। इंदौर में अब तक डेंगू के 240 लोग संक्रमित पाए गए। छिंदवाड़ा में शनिवार को भी 12 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मामलों के लिए लोग स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि डेंगू का पैटर्न बारिश पर ज्यादा निर्भर करता है। पानी थमने से मच्छरों को पनपने का मौका मिल जाता है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो सबसे ज्यादा मामले भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर से आते हैं। इस साल छिंदवाड़ा, रतलाम, मंदसौर में मामले सामान्य से ज्यादा आए। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सरकार ने डेंगू की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं, टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाई है, लेकिन लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। किसी को ठंड लगकर बुखार आ जाना, मांसपेशियों और आंखों के पीछे दर्द हो रहा है, उन्हें 24 घंटे में डेंगू की जांच कराना चाहिए। सभी जिलों के जिला अस्पताल में मुफ्त जांच की सुविधा है। डेंगू के मच्छर नहीं पनपने के लिए इन बातों का ख्याल रखें। आसपास की जगहों को साफ रखें। पानी को घरों में जमा नहीं होने दें। किसी जगह रुके हुए पानी में मच्छर पनप सकते हैं। कूलरों में पानी को नियमित रूप से बदलते रहें। गमलों के पानी को हर हफ्ते बदलते रहें। पुराने फीवर में सबसे ज्यादा आवश्यक है जागरूकता, सफाई को लेकर जागरूकता हो। पानी आपके यहाँ जो जमा करना, स्टोर करने की जो आपकी तरीका है उसमें सुधार। यहाँ देखा गया है हर घरों में कम से कम पानी का सबने स्टोर कर रखा है, और जो कि ये लोग समय समय पर उसको बदल नहीं रहे हैं। ज़्यादातर केसेस में घरों में हमें ब्लीडिंग मिल रही है, ये बहुत नुकसानदेह। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग की मुहिम के साथ आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी से ही डेंगू के खौफ को खत्म किया जा सकता है। टीम न्यूज स्टेट। अब मध्य प्रदेश की महिला कांग्रेस यूपी और गोवा उपचुनाव में जान फूंकने का काम करने वाली है, क्योंकि प्रियंका गांधी के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस की महिलाओं को यूपी में चुनाव प्रचार की ड्यूटी मिलने वाली है। कई दशक तक यूपी की सत्ता पर राज करने वाली कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बनवास खत्म होता नजर नहीं आ रहा। अब पार्टी की तरफ से इसकी जिम्मेदारी एक बार फिर प्रियंका गांधी के कंधों पर है। प्रियंका गांधी का साथ देने के लिए अलग अलग राज्यों से महिला कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना दम दिखाती हुई नजर आएंगी। अब मध्य प्रदेश के बजाय उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश की महिलाएं बढ़ती महंगाई, रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी, पेट्रोल डीजल, महिलाओं और बच्चियों के साथ बढ़ते अपराधों को लेकर जोर शोर से प्रचार करेंगी। मध्य प्रदेश के बजाय महिला कांग्रेस उत्तर प्रदेश में संभालेंगी मोर्चा। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस पदाधिकारियों की लगेगी यूपी गोवा में ड्यूटी। उत्तर प्रदेश चुनाव में जान फूंकेगी प्रदेश की महिला कांग्रेस। इस बार अकेले उत्तर प्रदेश में नहीं और भी 6 राज्यों में चुनाव है, तो उन सभी जैसे गोवा में भी है और उत्तरांचल में भी है, सभी जगह है, तो उन सभी जगहों पे मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस जो है जहां उसको जवाबदारी दी जाएगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे कहीं हो, वहां वो टीम जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश की महिलाओं को उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी देने पर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कह दिया कि कांग्रेस के नेता तो खुद महिलाओं के लिए अपशब्द कहते हैं। वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी की सांसद को टंचमाल कहते हो या कमलनाथ महिलाओं को टिकट वितरण के समय सजावटी वस्तु कहते हो या एक महिला जनप्रतिनिधि को आइटम कह के संबोधित करते हो, तो मुझे लगता है कि आज अगर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता निकल रही हैं किसी प्रकार के जन जागरूकता अभियान के लिए, तो उन्हें सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए। कुल मिलाकर आज की कांग्रेस के लिए यूपी की जंग जीतना आसमान से तारे तोड़ लाने जैसा दिख रहा है, लेकिन क्या 32 साल बाद प्रियंका गांधी यह जादुई करिश्मा कर दिखाएंगी? और क्या
मध्य प्रदेश की महिला कांग्रेस यूपी के विधानसभा चुनाव को एक नई दिशा दे पाएंगी। मध्य प्रदेश की महिला कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहुंचकर मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को बताएंगी। मध्य प्रदेश को लेकर किस प्रकार की स्थिति पूर्व में पैदा हुई थी और इसको लेकर कांग्रेस ने क्या संघर्ष किया, इसकी कहानी भी उत्तर प्रदेश में महिला कांग्रेस बताएगी। फिलहाल देखना यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस की महिलाओं की यह भूमिका कितनी ज़्यादा सफल होती है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस नई व्यवस्था कर रही है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा के साथ ही आपदा स्थिति से निपटने में भी फायदा मिलेगा। आखिर मध्य प्रदेश पुलिस का क्या है नया करने का तरीका, इस रिपोर्ट में देखिए। महिला सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश में लगातार कवायद की जा रही है ताकि महिलाओं को मध्य प्रदेश में सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसी के चलते 100 डायल को मध्य प्रदेश पुलिस के मोबाइल ऐप से जोड़ा गया है। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस ऐप को जोड़ा गया है। जाहिर सी बात है कि वर्तमान में भी जब हम 100 डायल को फ़ोन लगाते हैं तो 100 डायल महज कुछ ही मिनटों में आपके पास पहुंच जाती है। अब ऐसे में अगर महिला अपनी निगरानी कराना चाहती है तो वो वॉच मी डिफेंस जो फीचर्स है उसको अगर प्रेस करेगी तो उसे पुलिस की निगरानी मिलेगी। दरअसल महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए पुलिस और डायल 100 उनकी निगरानी करने जा रही है, जिसके लिए डायल 100 को MP पुलिस के मोबाइल ऐप से जोड़ा गया है। इसके साथ ही नए फीचर्स के साथ वॉच मी टेल सेफ डिस्टेंस फीचर्स को बेहद खास बनाया गया है। पुलिस हेल्पलाइन डायल 100 से जोड़ा गया MP पुलिस का मोबाइल ऐप, महिला सुरक्षा और आपात स्थिति के लिए जोड़े गए नए फीचर्स। एक अन्य फीचर चुनते ही कुछ सेकंड का ऑडियो वीडियो फोन में होगा रिकॉर्ड। ऐप को तैयार करने में देश में महिला अपराध को लेकर किया गया विश्लेषण, रिकॉर्डिंग से घटना को समझने में मिलेगी मदद। इस पिक्चर का विकल्प प्रेस करते ही डायल 100 के कंट्रोल रूम से महिला की निगरानी की जाएगी और जब तक महिला अपने घर तक या फिर जिस मुकाम तक वो पहुंचना चाहती है, जिस गंतव्य तक पहुंचना चाहती है, वहां तक नहीं पहुंच जाएगी, तब तक पुलिस उसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग करती रहेगी। इससे पहले भी पुलिस ने नागरिकों की सुविधा के लिए कई मोबाइल ऐप बनाए हैं। शासकीय रेल पुलिस, GRP, रेलवे, सीनियर सिटीजन, महिला अपराध की रिपोर्ट जैसे ऐप इन दिनों काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि महिला सुरक्षा का सिर्फ दावा ही नहीं किया जाता, उसे अमली जामा पहनाने की कोशिश भी की जा रही है, जो इस समय मध्य प्रदेश में पुलिस कर रही है। अब देखना होगा इसका फायदा प्रदेश की महिलाओं को कितना मिलेगा। 100 डायल सेवा एक बार फिर से मध्य प्रदेश में अपडेट होकर तैयार है और इस बार महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है। जो एक सेफ्टी फीचर्स 100 डायल और पुलिस के ऐप में जोड़ा गया है, वाकई में उसका फायदा महिलाओं को मिलेगा और अगर महिला चाहती है कि पुलिस उसकी निगरानी करे तो पुलिस आसानी से महिला की निगरानी करेगी और महिला भी सुरक्षित अपने घर तक पहुंच पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता युद्धवीर सिंह जुदेव का निधन हो गया। पिछले एक महीने से लिवर संक्रमण की गंभीर बीमारी से वे जूझ रहे थे। बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। BJP के सीनियर लीडर युद्धवीर सिंह जुदेव उर्फ छोटू बाबा का निधन हो गया है। खबरों के मुताबिक कुछ ही दिनों में उनका लीवर ट्रांसप्लांट किया जाना था, लेकिन तबीयत ज्यादा बिगड़ने की वजह से ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सका। पिछले कुछ महीनों से युद्धवीर सिंह जुदेव लीवर के गंभीर संक्रमण से जूझ रहे थे। हालात बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड विलियरी साइंसेज में भर्ती किया गया था, जहां पर एक पखवाड़े से ज्यादा समय तक उनका इलाज किया गया, लेकिन स्थिति में कुछ सुधार नहीं होने पर उन्हें बेंगलुरु के एस्टर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ वो जिंदगी की जंग हार गए। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के बेटे युद्धवीर सिंह जुदेव चंद्रपुर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। वो सदन के अंदर और बाहर अपने बेबाक बोल के लिए मशहूर थे। पिछले कुछ दिनों दिल्ली में भर्ती रहने के दौरान उन्हें अध्यक्ष विष्णुदेव साय समेत कई आला नेताओं ने यहां आकर हालचाल जाना। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज के डॉक्टरों से फोन पर बेहतर इलाज के निर्देश दिए थे, लेकिन हालात में सुधार न होते देख उन्हें बेंगलुरु रेफर किया गया था, जहां से आज सुबह ये बेहद दुखद खबर आई।
सीएम भूपेश बघेल ने भी युद्धवीर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है।